ओके सिंचन, तू मुझे काफी दिनों से जिद कर रहा था कि भाई कैंपिंग करेंगे कैंपिंग करेंगे। ले फाइनली यार आज मैं फ्री हूँ, क्योंकि यार आज सुबह से शाम तक कोई काम नहीं। हाँ यार शाम को मेरे को बारात में जाना है। उसी में किसकी बारात में जाना है? अब भूल गया कि यार टोनी स्टार्क की शादी है। उसी में ठीक है पर कैंपिंग करेंगे हम लोग पहले। ठीक है अब टेंट तो लाना ही भूल गया मैं। सुमित भाई मैं लेके आया हूँ टेंट, तुम टेंशन मत लो। उसमें क्यों हो, क्या हो गया, क्या कर रहे हो तुम? मुझे बहुत तेज सूसू आ रही, मैं जा रहा हूँ सूसू करने। ठीक है तू जब टेंट लगा, गाइस बहुत तेज प्रेशर आ रहा है। ओ गाइस यार सुमित भैया भी अजीब आदमी है, यहाँ पर आधी टॉयलेट लग गई उनको। ओ चलो गाइस देखो यार कितना मस्त मौसम, आज सुहावना मौसम, एक नंबर का मजा आ गया देख के सही में। ओ बेटे बेटे, ओ गाइस यार यहाँ पर ये क्या है? ओ गाइस देखो यार यहाँ पर एक लोमड़ी का बच्चा है। ओ ये कितना ज्यादा क्यूट है गाइस, देख रहे हो कितना ज्यादा क्यूट बच्चा है। ओ ये तो सो गया, ओए बल्ले बल्ले सो गया है। ओए लोमड़ी के बच्चे खड़ा हो, चल अपन दोनों खेलेंगे। ये तो सो ही गया बिल्कुल घोड़े बेच के। अरे गाइस वहां पर क्या चल रहा है, अभी जाके देखता हूँ ये लोग यहाँ पर क्या कैंपिंग करने आए हैं। चलो इनके पास जाके देखता हूँ। ओए बूढ़े अपनी शक्तियाँ मेरे को दे दे, वरना आज तेरा ये आखिरी दिन रहेगा। बूढ़े मुझे पता है तू मेरी सारी बातें सुन सकता है, चुपचाप अपनी शक्तियाँ हमें दे दे वरना हम तुझे मार देंगे। बॉस जो कह रहे हैं वो कर दे वरना गोली खाएगा बूढ़े। ये बूढ़ा ऐसे नहीं मानेगा, ये मरेगा है बूढ़े। गाइस यार मुझे बूढ़े अंकल को बचाना होगा। ओए तुम्हारी ऐसी, बूढ़े अंकल को मारोगे तो मैं मारूंगा पटक पटक के, अगर किसी ने भी हाथ लगाया तो। पहले इस बच्चे को ही मार डालो। क्या कर रहे हो? हमने इस बच्चे को मार डाला जो हमारे बीच में आएगा उसे मार देंगे बूढ़े। अब तेरी बारी, तू मरेगा इस बच्चे की तरह। ओ गाइस ये गोली की आवाज कहाँ से ही चल लेगी, जल्दी से जाके देखना होगा आखिर भाई ये गोलियां कहाँ चल रही है। सिंचैन को कुछ हुआ तो नहीं होगा, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो गाइस। अरे यार वहां पर कुछ है, एक सेकंड में देखता हूँ अभी अपनी स्नाइपर से। गाइस वहां पर कुछ तीन लोग है यार, क्या कर रहे हैं वहां पर ये तीन लोग? जल्दी से यार पास जाके देखता हूँ। और सिंचैन को मैंने टेंट लगाने को बोला था और वो कहाँ चला गया गाइस? ओके ओ नो भाई सिंचैन, वो तो इन लोगों ने सिंचैन के ऊपर गोली चलाई। ये ले तेरी ऐसी लत्तू भी गए बेटे, इनको एक को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम लोगों ने सिंचैन के ऊपर गोली चलाई, ये ले गाइस यार मैंने सबको मार डाला यहाँ पर। सिंचैन सिंचैन, ओ नो इन्होंने सिंचैन को मार डाला। मेरे भाई सिंचैन खड़ा हो जा सिंचैन, हम लोग कैंपिंग पे आए थे, ये क्या हो गया? अरे ये बाबा कौन बैठे? बाबा जी आप क्या कर रहे, खड़े हो ये बाबा जी, खड़े हो ये, खड़े हो ये। ओ बेटा ये सब क्या हो गया, ये लोग मुझे मारने आए थे पर इस बच्चे ने मेरी जान बचा ली। मेरे सामने आकर इस बच्चे का भला हो, बच्चा बहुत खुशी रहेगा तू। अरे बाबा जी मेरा भाई है ये, मुझे नहीं पता मेरे भाई मुझे वापस चाहिए। ओ बेटा इतना अच्छा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, मैं तेरे भाई को मरने नहीं दूंगा बेटा, तू टेंशन मत ले, मैं इसको अपनी चमत्कारी शक्तियों से वापस जिंदा कर दूंगा। चलो तो गाइस फिलहाल यार जो बाबा जी है सिंचैन को लेके अपनी गुफा में आ गए। बाबा जी प्लीज आप क्या हाथ जोड़ दो, मेरे भाई को सही कर दीजिए। ओ बेटा तू टेंशन मत ले, इसने मेरी जान बचाई, मैं इसकी जान बचाऊंगा, बस तू एक बार राउंड मार के आ, मैं तेरे भाई को सही कर दूंगा। तो गाइस यार मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, मेरे सिंचैन को गोली मार दी गई है यार, ये से भी बहुत ज्यादा बुरा हुआ है यार, मेरा भाई कब सही होगा? ओ गाइस ये क्या हो रहा है? ओ जाडे में गर्मी, गर्मी में जाडे, हो जा तू सही छोरा। ओ गाइस ये कैसा मंत्र है बाबा जी का? बाबा जी प्लीज मेरा भाई जिंदा हो जाना चाहिए, प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। वो बेटा तू टेंशन मत ले, ओल्ड ब्रेम कोल्ड क्रीम आइसक्रीम, हो जा ताकतवर हो जा छोरे। सिंपिया मैं जिंदा हो गया, ओ मेरा भाई जिंदा हो गया। सिंचैन सिंचैन मैं तुझे बहुत मिस किया यार, तू ऐसा काम मत किया कर यार। ओ सिंधिया मेरे को बाबा जी को बचाना था। वो बेटा तूने मेरी जान बचाई, मैंने तेरी जान बचाई और साथ में तेरे को एक वरदान भी दे दिया है मैंने। बाबा जी कैसा वरदान? हाँ बाबा जी कैसा वरदान? बेटा तेरे को टाइम आने पर पता लग जाएगा कि कैसा वरदान दिया है मैंने तेरे को, जा बेटा सदा जीता रहे। तो गाइस यार यहाँ पर बाबा जी ने सिंचैन को वापस जिंदा कर दिया। गाइस यार मैं तो सही में डर गया था यार। चलो गाइस यार अपा सिंचैन अब मैं कोई कैंपिंग वैंक भी नहीं करने वाला। ओ सिंधा ठीक है मेरा भी मन भर गया, चल सिंचैन अपा घर चलते यार जल्दी सी। गाइस यार आज तो मैं सही में बहुत ज्यादा डर गया था यार, वो तो सही उन बाबा जी ने मेरे भाई को वापस जिंदा कर दिया। चल सिंचैन बैठ गाड़ी के अंदर जल्दी सी। ओ सिंधा आया जल्दी आया। ओ सिंधा रुको तो आ रहा हूँ जल्दी चलो जल्दी। ओके बैठ जा गाड़ी के अंदर। ओ सिंधा चलो अब घर पर।
सिमरे ये क्या हो गया? ओ भाई साहब, ये गाड़ी डायमंड की कैसे हो गई? ओ सिमरे ये क्या हुआ? मुझे नहीं पता सिंचन ये सब क्या हो रहा है, पर ये गाड़ी डायमंड की हो गई यार। ओ माय गॉड गाइस, ओ सिमरे ये सब क्या चल रहा है? गाइस यार मेरे को तो ऐसा लगता है सिंचन ये सब उस चमत्कारी बाबा ने किया है। ओ सिमरे सही कह रहे हो भाई साहब, देख रहे हैं यहाँ पर हमारी पूरी गाड़ी डायमंड की हो चुकी है यार। फिलहाल यार तुम्हारा भाई फल फ्रूट लेने आया, क्योंकि यार आज हम टोनी स्टार्क की शादी में जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, फल फ्रूट लेके जाएंगे। और गाइस यहाँ पर हमारी गाड़ी देख रहे हो डायमंड की हो चुकी है। ओ सिमरे चलो फिर जल्दी सी। अरे भाई साहब सिंचन एक काम करो, इसको बेचने चले गाड़ी को। हाँ सिमरे ये करो, इस गाड़ी को बेच दो और उसके बदले में बहुत सारे पैसे मिलेंगे हमको। और भाई साहब यार मेरे को एक गुची का सूट भी पहनना है यार, क्योंकि यार शादी के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। और भाई मेरे को एक अरमानी गुची का सूट लेना है भाई ब्याह के लिए। ओके लेट्स गो गाइस, अभी तुम्हारा भाई जा रहा है साइमन की दुकान पर। ओए साइमन, साइमन मैं आ गया। अरे स्मिथ, अरे क्या हाल है तुम्हारे? अरे भाई साहब तू ये बता मेरी गाड़ी के दाम कितने देगा? अरे ये गाड़ी अलग से क्यों दिख रही है? अरे भाई साहब ये गाड़ी असल में हीरे की है यार, डायमंड की। अरे ये कहाँ से मिल गई यार, तुम्हें बताओ ना मेरे को भी। अरे भाई साहब क्या ही बताऊं यार, आज सुबह से क्या क्या हो रहा है हम लोगों के साथ। भाई छोड़ यार मैं क्या ही बताऊं तेरे को, सिंचन सही है बस और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। बता कितने मिलेगा इस गाड़ी को? अरे यार पक्का प्योर डायमंड कार है ना? अरे हाँ भाई प्योर डायमंड कार है। अरे यार इसके तो मैं तुम्हें बहुत ही मोटे पैसे दे सकता हूँ, क्योंकि यार बहुत सारे बिलियनर है यार अपने लॉस सैंटोस के अंदर, इसके मोटे पैसे देंगे, मोटे बहुत मोटे पैसे। हाँ बता कितने दे सकते तेरे हिसाब से? अरे यार इसके मैं तेरे को आराम से $3-4 billion दिला सकता हूँ। क्या $3-4 billion? अरे हाँ हाँ 3-4 billion। ओके भाई साहब, तो यार फिलहाल यार साइमन मैं ये वाली गाड़ी खरीद रहा हूँ तुझसे, ठीक है ना? अरे ले जा ले जा। ओके तो गाइस यार हमने ये वाली गाड़ी खरीद ली, यहाँ पर चल सिंचन, अब यापा को जाना टोनी शाक की शादी में, जल्दी बैठ। सिमरे बैठ के आ, चलो जल्दी सी। ओ भाई साहब सिंचन देख ये वाली गाड़ी भी डायमंड की हो गई। सिमरे मेरे को लगता है उन बाबा जी ने मेरे को बहुत ही खतरनाक वाली शक्तियाँ दे दी है, मैं कितनी भी गाड़ियों को डायमंड के अंदर चेंज कर सकता हूँ। सिंचन मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है यार, तो चल यार सिंचन जल्दी से चल से यार, मेरे को एक सूट लेना बहुत खतरनाक वाला। तो गाइस यार फिलहाल तो तुम्हारा भाई आ चुका है गुच्ची के शोरूम पर, तो गाइस यहाँ पर मैं तुम्हारा भाई सबसे महंगा वाला सूट बाय करेगा, जितना महंगा सूट खुद टोनी स्टार्क ने अपनी बारात में नहीं पहना होगा, उससे ज्यादा महंगा सूट तेरा भाई खरीदेगा। ओके तो गाइस यहाँ पर हमने ये वाला सूट खरीदा और ये लगभग $5,000 का है, लगभग $5,000, लगभग 5.5 लाख रुपए का। तो गाइस यहाँ पर मैंने इसको पेमेंट भी कर दिया। चल सिंचन चलते हैं जल्दी से ब्याह के अंदर, उससे हम टोनी स्टार्क की भी बेइज्जती कर देंगे, वो भी हमसे गरीब लगेगा। सिंचन सही कह रहे हैं, उसे बहुत घमंड है ना अपने पैसे का कि वो बिल लेना रहे, तो गाइस उसकी बेइज्जती आज मैं करूंगा, क्योंकि गाइस हमारे पास भी आज इतने सारे पैसे हैं, उतने पैसे यार टोनी स्टार्क के पास नहीं होंगे। चलो गाइस उसको आज उसकी शादी के अंदर जेलस फील कराएंगे और बहुत मजा आने वाला है। तो गाइस फिलहाल यार तुम्हारा भाई आ चुका है वेडिंग स्पॉट पर, यहां पर भाई वाटिका और यहां पर देखो टोनी स्टार्क की शादी हो रही है। ये मैं आ गया टोनी स्टार्क। अरे सुमित यार काफी लेट हो गए। अरे कुछ नहीं यार सूट खरीदने में लग गया था मैं। अरे वाओ ये सूट कहाँ से मिला? अरे ये गाड़ी कहाँ से लाए तुम? अरे ये तो ऐसे वैसे ही है। क्या हो गया टोनी, तेरे पास नहीं है कैसी गाड़ी? अरे यार सही में तुम तो बहुत ज्यादा अमीर हो गए, लगता है तुम्हारे पास तो एक डायमंड कार है। अरे यार सिंचन तुम ठीक तो हो ना? मुझे पता लगा कि तुम्हें गोली लग गई थी। अरे हाँ हाँ सिंचन बिल्कुल ठीक है, और यार तुझे कॉन्ग्रेचुलेशन तेरी शादी के लिए। अरे शुक्रिया यार शुक्रिया, तुम लोग बहुत अच्छे हो, मेरी वाइफ किसी वक्त आती होगी, तुम्हारी भाभी जी उनको नमस्ते जरूर करना याद से। हाँ ठीक है कर देंगे हम, कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैं अभी आई एक सेकंड के अंदर, लगता है कुछ रिश्तेदार आए हैं, अभी आती हूँ। अरे ये तो वही सिंचन लड़का है ना 5 साल का बदतमीज। ओ दीदी बदतमीज किसको बोल रही हो? अरे क्या बोल रही हो? अरे वाओ डायमंड कार, ये क्या तुम्हारी है? हाँ दीदी हमारी, बोल तुम्हारे पास नहीं है क्या? अरे ये इनके पास इतनी महंगी गाड़ी है, इतनी महंगी गाड़ी तो हमारे पास भी नहीं है। ओ दीदी तुम ले भी नहीं सकती, ठीक है ना हमारे पास ही रहेगी, इतनी महंगी वाली गाड़ी निकलो यहाँ से। अरे कितने बदतमीज लोग हैं, मुझे नहीं पता, भगाओ उनको यहाँ से। अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो, मेरी बेइज्जती कर रहे हो मेरी वाइफ के आगे, निकल जाओ, मैं तुम्हें शादी में नहीं बुला रहा, हमें भी कोई शौक नहीं है आने का। ए बीरा मैं सबको भगा दूंगा, हम दोनों अकेले रहेंगे। मुझे भी ऐसी गाड़ी चाहिए डायमंड की, प्योर डायमंड की। ओ गाइस यार यहाँ पर तो लठ बजा दी इन दोनों के बीच में। भाई साहब सिंचन देख रहा है, वो सिंचन सही कह रहे हो। तो गाइस यहाँ पर टोनी और टोनी की वाइफ के बीच में लड़ाई हो गई, क्या उसको चाहिए हमारी जैसी गाड़ी डायमंड की गाड़ी, और तुम्हें पता है डायमंड की गाड़ी खरीदना कोई हंसी खेल नहीं है, क्योंकि यार 3-4 billion की सिर्फ एक गाड़ी आती है। तो गाइस फिलहाल तुम्हारा भाई गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरवा लेता है, क्योंकि यार गाड़ी भाई डायमंड की हो चुकी है, थोड़ी भारी हो गई और उससे भाई पेट्रोल बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है गाड़ी का। तो यार फिलहाल तुम्हारा भाई जा रहा है, यार आज तो पूरा दिन निकल चुका है, लगभग शाम के 4 बज रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ सिंचन सनसेट देखने चलते हैं सी पॉइंट
पे जाके मस्त मजा लेंगे वहां पर जाके। तो गाइस यार फिलहाल हम लोग आ चुके हैं सी पॉइंट पर। तो गाइस यहां पर एक मस्त वाली महंगी वाली बोट लेंगे और उसके बाद हम लोग घूमने जाएंगे समुंदर के अंदर और भाई देखेंगे आखिर दुनिया कैसे जलती हम लोगों से, क्योंकि गाइस हमारे पास सारी चीजें डायमंड्स की होने वाली है। और भाई देख रहे तुम्हारे भाई ने $5,000 का सूट पानी के अंदर भिगो के खराब कर दिया क्योंकि तुम्हारे भाई के पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। उस इंडिया रुक जाओ मेरे लिए, तो अब तेरे पास ही ला रहा हूँ बोट, मुझे पता है तू जल्दी से नहीं आ पाता। उस इंडिया अभी आए एक सेकंड बैठ तो जाऊँ इसके ऊपर। हाँ जल्दी बैठ जल्दी बैठ। तो चलो सिंधिया घूमने। तो गाइस यार यहाँ पर हम लोग जा रहे। तो गाइस कैसा लगा आपको आज गेम प्ले कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और गाइस तुम्हें कैसा लगा कि हमने टोनी स्टार्क और उसकी वाइफ के बीच में झगड़ा करवा दिया। और यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार भूले बैठ के आए तो यार सब्सक्राइब कर देना। और गाइस हम मिलेंगे कोई नए गेम प्ले में, जब तक के लिए सायोनारा। और गाइस यार याद से सुमित भैया को पार्टी देनी है आज बिल्कुल खतरनाक वाली। मेरे को किस बात की पार्टी? गाइस अगर आप लोगों को देखनी है वो पार्टी तो कमेंट बॉक्स में पार्टी जरूर लिखना।